हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए बनाते हैं आज की टिफिन रेसिपी। आज मेरा काम बहुत आसान हो गया क्योंकि रात में मेरे बेटे ने मुझे बोला था कि उसको आज टिफिन में चाहिए ब्रेड रोल। ब्रेड मेरे पास ऑलरेडी थी, आलू मैंने रात में उबाल लिए थे। काम बहुत आसान हो गया है। तो आज मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ ब्रेड रोल। बस मैं थोड़ा सा चीज़ ऐड करूँगी न्यूट्रिशन के लिए और थोड़ा टेस्ट के लिए भी। तो चलिए फिर जल्दी से आज हम बनाते हैं डिलीशियस से ब्रेड रोल। ब्रेड रोल में आप काफ़ी वेरिएशन कर सकते हैं वेजिटेबल ऐड करके, पर आज मैं इसको बिल्कुल रेगुलर तरीके से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं बहुत सारा धनिया पत्ती कट करूँगी, इससे ना काफ़ी फ्रेश सा फ्लेवर आता है और जो बहुत मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ साथ मैंने बारीक प्याज काटी है और अदरक। अदरक तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत बढ़िया स्वाद लगता है इसका। और बॉयल आलू से अगर कोई रेसिपी बनानी है तो आप उसको पहले से उबाल के रख लें, ठंडा हो जाने दें, तो उसका जो रिज़ल्ट है ना वो परफेक्ट आता है। मतलब बाइंडिंग के लिए तो एकदम परफेक्ट है ठंडे उबले हुए आलू। तो यह मैंने आलू को पील कर लिया है और इनको अच्छे से हम मैश कर देंगे। और इसके साथ ही हम कुछ ऐड करेंगे इसमें इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ मैं डाली हूँ बारीक कटा हुआ प्याज और इसके साथ डाली हूँ अच्छे से धनिया पत्ती ज़्यादा सा। और अब मैं डाली हूँ इसमें अदरक जो हमने ग्रेट किया हुआ था और भुना हुआ जीरा का पाउडर। साथ ही साथ डालेंगे धनिया पाउडर थोड़ा सा। और इसमें मैं डाली हूँ गरम मसाला, चाट मसाला। मैंने यह चाट मसाला डाला इसलिए आमचूर पाउडर नहीं डाली हूँ। और साथ साथ मैंने थोड़ा चिली फ्लेक्स डाला है, आप इसकी जगह ग्रीन चिली को भी कट करके डाल सकते हैं। नमक डालेंगे और अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। तो ये है ना बहुत टेस्टी सा मसाला, मतलब बनाते बनाते ही भूख लग जाए किसी को भी। तो यहाँ मसाला रेडी हो गया है। तो यहाँ मैंने ब्रेड्स लिए हैं और सबसे पहले हम इसके साइड्स कट कर देंगे। अगर आप साइड्स कट करके बनाते हैं ब्रेड रोल तो जो ब्रेड्स का मसाला है आलू वाला वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता है, और जो ओपन हो जाते हैं ना कभी तलते समय ब्रेड, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस ब्रेड के साइज़ हैं, इसे पिज़्ज़ा कैसे बनाना है उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ चैनल पे शेयर करी है। तो बचे हुए ब्रेड के साइज़ ना फेंकें, उससे डिलीशियस सा पिज़्ज़ा बना के यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ क्यूब भी कट कर लिए हैं। ब्रेड को पानी में डाल के थोड़ा सोव कर लिया था और इस तरह से हम देखिए उसको स्क्वीज़ के लिए एक्स्ट्रा पानी, और उसके अंदर हम डाला है आलू का मसाला, एक छोटा सा चीज़ क्यूब, और अच्छे से हम उसको कवर कर देंगे। तो ये प्रोसेस तो जनरली सभी को आता होगा कि किस तरीके से ब्रेड रोल बनाने हैं, कुछ नया तरीका नहीं है ये। तो अच्छे से पानी में डाला है मैंने, बहुत लोग इसको मिल्क में भी डालते हैं। तो अगर कोई मिल्क में डालता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि उसके कारण कोई टेस्ट में चेंज आता है या नहीं। और ये अगेन मैंने एक और बना लिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर चार ही बनाया अभी, बाकी मैं गर्मा गर्म बनाऊँगी सबके लिए। और तेल में हम इसको हम तल देंगे। तो ये एक ऐसा नाश्ता है जो सभी को पसंद आता है। डीप फ्राई कभी कभी खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वंस इन अ वाइल तो आप खा ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनको एकदम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। क्योंकि मैं ब्राउन ब्रेड से बना रही हूँ तो हो सकता है कलर थोड़ा सा डार्क होगा, लेकिन अगर वाइट से बनाते हैं तो और भी ज़्यादा गोल्डन दिखते हैं ये। तो यहाँ देखिए कुछ तो सिक गए हैं, और एक और बैच में इसका सेक लूँगी। और चलिए अब इनको हम टिफिन में पैक करेंगे। तो मैंने एक टिशू लगाया नीचे जिससे नीचे से सोगी ना हो, और क्रिस्पी से ब्रेड रोल रख देंगे। मेरा बेटा इसको टोमेटो केचप के साथ खाना पसंद करता है, तो मैं टोमेटो केचप डाल रही हूँ। आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और भी टिफिन आइडियाज़ के लिए यूट्यूब चैनल को विजिट करें। वीडियो पसंद आए हो तो फॉलो लाइक एंड शेयर फॉर मोर। मिलूंगी बहुत जल्दी एक नई टिफिन रेसिपी के साथ। बाय बाय।